तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले एप्लीकेशन को देखो। ये भी एक गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है, और इस गॉस थ्योरम के एप्लीकेशन में हम कैलकुलेट करते जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज प्लेन। मतलब एक ऐसा प्लेन ले रहे हैं जिसके पास सम थिकनेस है और उसके अंदर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। मतलब इसके अंदर जो चार्ज है वो वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इस टाइप से इस बॉडी के अंदर एक चार्ज है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर इसका 2 dB है, तो इसके अंदर ऐसे चार्ज भरा पड़ा है जो कि वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो है। रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये यहाँ से, ठीक ना, ये कूलाम पर मीटर क्यूब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है इसका, ठीक है। ये चार्ज इसके अंदर भरा है, तो ये आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ये एक डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है। ध्यान रखना कि ये एक लॉन्ग मटेरियल है। लॉन्ग मतलब ये जो वर्ड है इन्फिनिटी, ये वाला इंड है, लॉन्ग है, ये इन्फिनिटी कंसिडर कर सकते हो, और ये इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी ये वाली, तो इस तरह से आप यहाँ पे कंसिडरेशन ले सकते हो। तो ये तुम देखोगे, सबसे पहले मैं एक बार पॉइंट पी बाहर निकालूंगा, इस पॉइंट पी पर निकालूंगा जो कि यहाँ से सरफेस से कुछ डिस्टेंस पर नहीं होगा और कुछ डिस्टेंस पे होगा। और यहाँ से ये वाली जो प्लेन मैं ले रहा हूँ, ये वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहाँ पर एक जो प्लेन बना रहा हूँ मैं, दिस इज़ बेसिकली द प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये प्लेन ऑफ, ये एक प्लेन है, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यहीं से मैं डिस्टेंस वगैरह मेजरमेंट करूँगा, ठीक है। और यहाँ से ऊपर जितना ये, अगर ये पूरी थिकनेस, पूरी की पूरी थिकनेस डी है, ये वाली थिकनेस डी है, तो ये जो अपर पार्ट है इसकी थिकनेस आ जाएगी D/2, ठीक है ना। और ये जो लोअर पार्ट है इसकी थिकनेस आ जाएगी D/2। दिस इज ऑल्सो द थिकनेस इज कंसिडर। तो चलो इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो सबसे पहले मैं आउटसाइड कैलकुलेट करता हूँ। तो आउटसाइड अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, तो ये जो पॉइंट पी है वो मेरा यहाँ पर है बाहर में, जो कि यहाँ इस लाइन से, इस पॉइंट से, यहाँ से ये जो लाइन है, ये जो प्लेन है, यहाँ से अंदर से यहाँ पर कुछ मैं ले लेता हूँ आर डिस्टेंस पे। सिमिलरली यहाँ से नीचे इधर एक आर डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जिसकी सिमेट्री थोड़ा सा मेंटेन है। तो ये पूरा का पूरा जो 2 r डिस्टेंस का मैं एक सिलेंडर बना लिया, ये जिसकी लेंथ ये ऐसे हो, और ये जो थिकनेस है वो d है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो ये थिकनेस डी है, और इसका जो लेंथ है, ये लेंथ लिया हूँ। आप इसको चाहो तो एक काम करो, चाहो तो इसको l ले लो तो ज़्यादा अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से इसको l लेना ज़्यादा सुटेबल लग रहा मुझे, तो चलो इसको l ही ले लेते हैं। तो 2l लेंथ का एक सिलेंडर ले लिया हूँ, ये जो पॉइंट पी है ऊपर नीचे। तो अगर ये गॉसियन सरफेस यहाँ पर बनाया गया है, तो यहाँ पर पॉइंट ये, इस गॉसियन सरफेस को यहाँ से मैं क्लोज कर दूँ, तो इसमें 3 सरफेस है। अब तीनों का मुझे फ्लक्स निकालना है। तो आई होप कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सिमेट्रिकली आउटवर्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इसका जो एरिया वेक्टर है वो भी इधर है, तो थीटा गया यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर इधर है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है ड्यू टू, तो इसका भी थीटा गया 0। जो ये वाला सरफेस है इसका एरिया वेक्टर इधर आएगा और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे ही है, तो इसके लिए थीटा गया 90, ठीक है। तो अगर मैं इस वाले सरफेस का फ्लक्स ∅1 बोलूँ और इसका मैं सरफेस को ∅2 बोलूँ और जो कर्व सरफेस को मैं ∅3 बोलूँ, तो मैं गॉस थ्योरम लगा दूँ, बाई गॉस लॉ, तो नेट फ्लक्स, गॉस लॉ क्या कहता है कि नेट फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाई नेट ∅1 प्लस ∅2 प्लस ∅3, दैट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये वाली चीज अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो ∅1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ई ए कॉस 0, और दूसरा आ जाएगा ई ए कॉस 0, और तीसरा अगर तुम देखोगे इस वाले सरफेस का 5 3 हो, तो 0 आ जाएगा, कॉस 90 है, तो ये चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब ये जुड़ गया, तो ये 2 टाइम्स ई ए, और दैट इज चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि
यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी चार्ज इनक्लोज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। ये यहाँ से अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, इसके अंदर कितना चार्ज आया सिलेंडर के, देखो सिलेंडर के अंदर जो चार्ज यहाँ पर आया है वो ये जो ये वाला सिलेंडर है इसमें चार्ज है, ये वाला इतनी लेंथ में चार्ज एग्जिस्ट कर रहा है ये वाला लेंथ। तो अगर इसकी एरिया इस ये वाला जो ग्रीन कलर का बना रहा हूँ इसमें चार्ज आया यार, इसमें चार्ज आया, तो इसमें जो चार्ज आया है तो चार्ज इनक्लोज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो चार्ज डेंसिटी और इस सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसका लेंथ कितना है डी और एरिया इसका ए, क्योंकि एरिया क्रॉस सेक्शन जितना इतना होगा उतना ही यहाँ भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ चार्ज इनक्लोज आएगा रो डी ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो ए ने ए को काट दिया तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी बच्चों यहाँ से रो एप्सिलॉन नॉट और ये डी बाई टू डी यहाँ थिकनेस है। तो ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है बाहर में वो एल पर डिपेंड ही नहीं आ रही है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है यार, ठीक ना, ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है जहाँ डी जो है थिकनेस ऑफ द प्लेट है। तो ये वाली जो चीज़ आ रही है वो डिस्टेंस पर इंडिपेंडेंट है, मतलब बाहर में लॉन्ग डाइलेक्ट्रिक प्लेट के लिए जिसके पास कुछ थिकनेस डी है उसका फील्ड कांस्टेंट आएगा, ठीक ना। आई होप ये क्लियर हो गया। चलो बात करते हैं अंदर में। तो अगर मैं अंदर में बात करूं इनसाइड, तो इनसाइड अगर मैं बात करूंगा तो अब मैं अंदर जाके एक गॉसियन सरफेस ड्रा करूंगा। ये तो ये अंदर है तो एक मैं सिलेंडर बनाया हूँ गॉसियन सरफेस और मैं इसको चारों तरफ से मतलब यहाँ से दोनों साइड से यहाँ से क्लोज कर देता हूँ सिलेंडर है तो, और इसके अंदर जो चार्ज आया होगा इस वाले पे, ठीक है, अब मैं इस पे गॉस लॉ लगाता हूँ इस सिलेंडर पे, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस है, ये इसका यहाँ पे 3D व्यू दिखाया गया है, तो ये गॉसियन सरफेस है, ये अंदर में है। तो यहाँ पर तुम देखोगे तो इस वाले पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर आएगा और एरिया वेक्टर इसका इधर ही आएगा, तो थीटा बना 0, ठीक है। तो इसका जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा ये, और इस वाले का एरिया वेक्टर आया इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही आएगा, तो इसका भी थीटा बना 0 एंगल। तो मैं फ्लक्स निकाल ले सकता हूँ, लेकिन ये जो कर्व सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा और एरिया वेक्टर ऊपर आया, समझ रहे हो, तो इसका थीटा बना 90। तो अब मैं जो गॉस लॉ अंदर लगाऊंगा बाई गॉस लॉ, तो यहाँ से गॉस थ्योरम लगा देते हो तो यहाँ से जो टोटल फ्लक्स फाई नेट इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ जाएगा। तो चार्ज ये आ जाएगा फ्लक्स φ1 + φ2 + φ3 दैट इज चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो अब यहाँ से फ्लक्स फाई है दैट इज EA cos 0 पहले वाले सरफेस का प्लस EA cos 0 दूसरे वाले सरफेस का प्लस EA cos 90 तीसरे वाले सरफेस का और ये अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये 2 मिला के 2 EA यहाँ से और आ जाएगा चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी चार्ज इनक्लोज अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अभी मुझे चार्ज इनक्लोज पता नहीं है, सॉल्व नहीं हुआ है, तो अंदर में जो कितना चार्ज आ रहा है इसकी मैं कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे जो चार्ज आएगा चार्ज इनक्लोज इनसाइड दैट इज चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वह वॉल्यूम जिसमें चार्ज है, तो चार्ज डेंसिटी वॉल्यूम, इसकी थिकनेस कितना लिए थे, इसकी थिकनेस लिए थे हम लोग 2L लिए थे ये वाला, ठीक है ना, इसकी थिकनेस 2L था ये, और सॉरी इसकी इसकी जो सिलेंडर की लेंथ थी वो 2L थी और ये पूरी की पूरी थिकनेस डी थी, ठीक है ना, ये समझ में आ रहा। तो ये यहाँ पर 2L लेंथ का एक सिलेंडर कंसिडर किया हूँ ये वाला, तो इसकी जो एरिया ए और मल्टीप्लाइड बाई इसकी लेंथ 2L डिवाइडेड बाई यहाँ से, ये कुछ नहीं, यहाँ से एप्सिलॉन यहाँ से मतलब चार्ज इनक्लोज आएगा, इस चार्ज को रो ए 2L की वैल्यू रखोगे अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ए। तो इसको सॉल्व करोगे तो ए ने ए को 2 ने 2 को यहाँ से ख़त्म कर दिया, तो ρ L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात आ गई कि जो अंदर में जो फील्ड आया वो डिस्टेंस L डिपेंडेंट आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E की जो वैल्यू आ गई
वो रो एल अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब जैसे जैसे लेंथ की वैल्यू तुम्हारी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी यार, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि अंदर में एक्सिस प्लेन ऑफ सिमेट्री से दूर जाओगे तो जैसे जैसे एल बढ़ाओगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, ठीक है। एल इंक्रीज कर रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज हो रही है इनसाइड, जबकि बाहर में क्या था, कॉन्स्टेंट था। तो आई होप कि आपको बेहतर तरीके से क्लियर हो गया होगा, चमक गया होगा कॉन्सेप्ट। तो चलो अगर चमक गया तो हम इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये उसका 2D व्यू बनाया हूँ, इसकी थिकनेस पूरी की पूरी थिकनेस इसकी डी है, और अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इनसाइड जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था भाई, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था वो आया था रो एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जो बाहर में आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया था आउटसाइड वो क्या आया था, वो आया था रो अपॉन क्या था, देखो ऊपर में क्या था, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट और एल बाई डी बाई टू आया था। एल पर इंडिपेंडेंट था, तो एल पर अगर इंडिपेंडेंट था तो इसकी वैल्यू हाँ देखो यहाँ से देखो यहाँ पे डिस्टेंस पे इंडिपेंडेंट आया था, तो ये थोड़ा सा हाँ ये यहाँ लेक्चर आ गया। हाँ तो यहाँ से तुम देखोगे हम लोग ग्राफ बना रहे थे ये वाली, तो ये रो अपान एप्सिलॉन नॉट ये वाली चीज़ आई और ये आ जाया था डी बाई टू जो कि कांस्टेंट आया था, बाहर में डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, ये वाली चीज़ आ गया था। तो चलो इस ग्राफ को बेहतर तरीके से हम लोग समझ लेते हैं। तो अब मैं जाऊंगा यहाँ से दूर जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से ए प्लेन ऑफ सिमेट्री है ये वाली लाइन, यहाँ से मैं इधर जाऊंगा, ठीक है, और एक बार मैं इधर जाऊंगा, बात आ रहा समझ में। तो अगर मैं दोनों साइड जाता हूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे मिलती है उस चीज़ को मैं देखता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलो सबसे पहले देख लेते हैं अंदर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं। देखो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री ये वाली लाइन क्या, कौन सी लाइन है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहीं से डिस्टेंस वगैरह मैं मेजरमेंट कर रहा हूँ, दोनों साइड यहाँ देख रहा हूँ, और यहाँ पर जो फील्ड है वो ज़ीरो है भैया, ठीक है ना। तो यहाँ पर फील्ड ज़ीरो है, क्यों ज़ीरो है, क्योंकि जितने ये प्लस वाले चार्ज यहाँ पर फील्ड बना रहे हैं उतने इधर वाले बना रहे होंगे, तो इस लाइन ऑफ सिमेट्री पे कोई फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी यार, ठीक है। तो अंदर में जो फील्ड है वो इनसाइड ये वाली जो लाइन है वो इनसाइड है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, जैसे जैसे लेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे फील्ड होगी और यहाँ पर मैक्सिमम होगी, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट वैल्यू अटेंड कर लेगी, और इधर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है और आर की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव है, और अगर इधर आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निगेटिव है और यहाँ पर आर भी यहाँ पे निगेटिव है, समझ में आया। उसी तरह से इधर जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, निगेटिव डायरेक्शन में, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट वैल्यू अटेंड कर लेगी और इसकी वैल्यू है। आई होप कि आपको बेहतर तरीके से पूरा ग्राफ समझ में आ गया होगा, सारा कंटेंट अच्छे से नोट्स बना लेना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अपना बहुत ख्याल रखना, मोटिवेटेड रहना, बाय बाय, टेक केयर।